हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रजनी क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर यूनिट 3 कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री। बेसिक्स ऑफ दिस यूनिट वी हैव डन ऑलरेडी डन, तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.2। एज आई टोल्ड यू, एक्सरसाइज 3.1 इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर एग्जाम्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स। तो यू हैव टू डू yourself, that is activity based exercise. So let's start with exercise 3.2. First question is, write the answer of each of the following question. ये आपके पास three parts के questions हैं, इनका आपको answer देना है. Okay, first part, what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in Cartesian plane? Let's see. ये हम डिनोट करते हैं, ठीक है, लाइंस को एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। तो उसने पूछा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन में। तो आई थिंक आप सबको रिमेम्बर होगा, तो हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, क्या होती है एक्स एक्सिस, क्या होती है बेटा एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन दैट इज वाई एक्सिस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दो लाइन से जो ये चार पार्ट्स बने, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इन चारों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं हम इनको, क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। ओके, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। पहले तो ये दो लाइन कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे, क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, ओरिजिन, ओरिजिन ही बोलते हैं ना, पॉइंट ओ विच इज कॉल्ड ओरिजिन, एंड दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन वन। नाउ कम टू, लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर टू। नाउ क्वेश्चन नंबर टू बेटा, सी फिगर 3.14। आपकी बुक में ये फिगर जो है ये 3.14 फिगर है, ठीक है, एंड राइट द फॉलोइंग। इन ये क्वेश्चंस हैं आपके, और भी हैं आगे 7 और 8, वो मैंने अभी लिखे नहीं है। 8 क्वेश्चंस हैं ये, 8 पार्ट्स हैं, इनका आपको आंसर करना है। ओके, तो हम वन बाय वन करेंगे इसको रीड करके। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, ये है बी पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये बी पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट सबसे पहले एब्सिसा होता है, जो एक्स एक्सिस पे होता है, वो क्या है, -5, और वाई एक्सिस पे 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -5 और 2, क्या हो गए -5 और 2। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी पॉइंट कहाँ है आपका, ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एक्सिस पे 5 एंड वाई एक्सिस पे -5। तो पहले एक्स एक्सिस का 5 और फिर वाई एक्सिस का -5। ओके, नाउ नेक्स्ट, द पॉइंट identified by the coordinates -3 and -5। फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसमें होगा, वो दोनों नेगेटिव कहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहां पे देखो -3, एक्स पे -3 एंड वाई पे -5, तो कौन सा पॉइंट है वो, ई, कौन सा पॉइंट होगा बेटा, ई, आई विल राइट इट अगेन, यस, ई। नेक्स्ट द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 और -4, 2 और -4, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि एब्सिसा पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, तो नो बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ होते ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा, ठीक है। तो क्या है पॉइंट, क्या पॉइंट है वो,
जिसका 2 और माइनस 5 है, नहीं ये तो माइनस 5 एंड 2 है ना, आपको बताना है 2 एंड माइनस 4, 2 एक्स एक्सिस पॉजिटिव यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट पे, 2 एंड माइनस 4 ये है ना जी, कौन सा पॉइंट है जी। नाउ एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, डी पॉइंट का एब्सिसा मतलब डी पॉइंट का एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, कहां 6 पे, 6 ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच पॉइंट का है ये ना, इसका ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस कहां है, ये वाली है वाई एक्सिस, क्या है ऑर्डिनेट माइनस 3। नाउ सेवंथ पार्ट क्या है बेटा आपका, सेवंथ पार्ट है आपका द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, एल पॉइंट हमने इस पे मेंशन भी नहीं किया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, एल ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, वाई एक्सिस पे 5 और एक्स एक्सिस पे 0 है ना, ठीक है तो 0 एंड 5, पहले हम एब्सिसा लिखते हैं उसके बाद ऑर्डिनेट, मतलब पहले x एक्सिस का और उसके बाद y एक्सिस का। देन नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m, m ये है आपका, तो पहले आप x एक्सिस का लिखेंगे विच इज माइनस 3 एंड y एक्सिस 0 एंड दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 3.2। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, दिस इज द इजिएस्ट वन एक्सरसाइज एंड अगर आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर थे तो आई थिंक ये एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते थे, बट आई एक्सप्लेन इट बिकॉज समटाइम्स होता है कि कुछ क्वेश्चंस हम डाउटफुल रह जाते हैं, तो आई जस्ट ट्राई टू क्लियर ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो ओके, एट लास्ट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ओके, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।